हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप है। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर दे आर द मैग्नीट्यूड। ये कुछ नंबर दे रखे हैं मुझे जिसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। इसके बाहर पावर कितनी दे रखी है? 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। कुछ भी नहीं है तो क्या समझा जाएगा? 2। यानी 3 की पावर भी कितनी है? 1/2। 5 की पावर बाहर कितनी दे रखी है? 6। यानी इसको क्या लिखा जाएगा? 1/6। अंडर रूट में दे रखा हो तो इसको फ्रैक्शन में करके हमें इस तरीके से लिख देंगे। 2, 2, 6 तीनों का लेंगे एलसीएम। 2, 2, 6 का 2, 1 जा 2, 2, 3 जा 6 मल्टीप्लाई किया कितना है? 6। यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6 आ जाए? 2, 3 जा 6 3 आया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 3 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6 आ जाए? 2, 3 जा 6 इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 3 से। यहाँ तो 6 ऑलरेडी आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कितना हुआ? 3, 1 जा 3 2, 3 जा 6 3, 1 जा 3 2, 3 जा 6 1/6। जो ये 3 आ रहा है, इस 3 को ले जाते हैं अंदर की तरफ तो बाहर कितना बचेगा? 1/6। इस 3 को अंदर ले जाते हैं तो बाहर कितना बचेगा? 1/6। इस पे तो ऑलरेडी 1/6 है। अब देखो जरा, तीनों की पावर एक जैसी हो गई। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2, 2 जा 4 4, 2 जा 8 3 को 3 बार 3, 1 जा 3 3, 3 जा 9 3, 9 जा 27 तो साफ पता लग रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। बस इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी पोजिशन रख दो। 27 1/6 8 की पावर 1/6 एंड 5 की पावर 1/6 जो इनका ऑर्डर था वही इनका ऑर्डर होगा। सबसे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये नंबर हो गया, ठीक है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 मुझे दे रखा है सिंप्लीफाई अंडर रूट में पावर 4, फिर एक और अंडर रूट इसकी पावर 3, फिर दे रखा मुझे एक्स स्क्वायर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्स। यानी एक्स की फॉर्म में मेरे को इसको एक्सपोनेंट की पावर में लिखना है इसको, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 3, एक्स की स्क्वायर, तो मैं इसको सॉल्व करता जाता हूँ, ठीक है। पहले पावर को, जो ये वाला अंडर रूट है इसे मैं क्या लिखूँगा? 1/3। और ये वाली जो 4 है इसमें क्या लिखूँगा? 1/4। तो पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2, 1 जा 2 / 3 बाहर कितना है? 1/4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई होगा। 2, 1 जा 2 4, 3 जा 12 कट रही है तो काटो। 2, 1 जा 2 2, 6 जा 12 कितना आया? 1/6। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें बोला गया है प्रूव दैट 2a(2b)(a+b)(2b)/2c इसकी पावर b+c(2c)/2a इसकी पावर c+a। प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो जरा, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है? माइनस। ए में से माइनस कर देंगे पावर बी को। बार कौन दे रखी है? a+b। सेम टू सेम, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे? माइनस। बी में से सी माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, b+c। दोनों का बेस सेम है डिवाइड में, इसलिए पावर क्या करेंगे? माइनस। और बाहर कौन दे रखा है? c+a। बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई, एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, तो फॉर्मूला लग जाएगा
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी डायरेक्ट आइडेंटिटी खोल दी मैंने, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इनके बीच में भी आइडेंटिटी खुल जाएगी, क्योंकि एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आइडेंटिटी खुलती है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब इनकी आइडेंटिटी खुलेगी एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में है तो सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, यहाँ पे तीनों का बेस सेम है तो तीनों की पावर क्या होगी ऐड, दो की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ती है, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है। ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का सेम सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, यानी दो की पावर कितनी आई जीरो, जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।